ले लो, जिसमें कम से कम सारा चिंतन तो छूट जाएगा। चिंतन से परेशान है कृष्ण, चिंतन से परेशान है, मन को कृष्ण से हटाती है बार बार, दौड़ दौड़ कर मन कृष्ण में पहुंचता है। जैसे हम लोग संसार से मन को बार बार हटाते हैं और मन दौड़ दौड़ कर फिर से संसार में पहुंच जाता है, ऐसे गोपांगना बार बार कृष्ण चंद्र परमानंद कन्न मदन मोहन से मन को हटाती हैं और दौड़ दौड़ कर बार बार कृष्ण में ही मन चला जाता है। तो बोले अब इस परेशानी से तो अच्छा है, चलो वेदांतियों के कैवल्य मुक्ति ले लो, वहां न दृश्य रहेगा न चिंतन रहेगा, मनसो यमनी भावे द्वैतन नहीं उपलब्ध थे, मन का अमनी भाव हो जाएगा, मन में अमनस्कता आ जाएगी, सारे संकल्प विकल्प का पराभव हो जाएगा, निर्दृश्य दृक् निर्भास्य अखंड भान, यही अद्वैत का मोक्ष है। जहां प्रमाण न हो, प्रमेय न हो, प्रमाता न हो, प्रमाण प्रमेय प्रमाता तीनों का बाध हो जाए, दृष्टा दर्शन दृश्य का बाध हो जाए, मन्ता मनन मंतव्य की समाप्ति हो जाए, सारा विश्व प्रपंच अपेक्षित अनपेक्षित सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट स्थूल सूक्ष्म अंतर बाह्य सर्व प्रकार के प्रपंच का अत्यंत बाध हो जाए, सर्व बाध का अधिष्ठान निर्विकार विशुद्ध बोध अखंड आनंद आत्मा वही बाकी बचे बस। तो चलो इस अवस्था को प्राप्त हो लो तो सारा चिंतन खत्म हो जाए, चंटा कटे। इस प्रकार से काशी करवट सोच करके राधा रानी वेदांत वेदांत जो है वेद का जो चरम भाग है उसी के विचार में संलग्न। ये भी तो पीछे बताया कि उद्धव जी ने जो ज्ञानवान कहा वो ज्ञान का मतलब यही था कि वो ज्ञान थोड़ा उस प्रेम के संकोच में हेतु होगा, ऐश्वर्य की बात भी प्रेम के संकोच में हेतु होता है। जो बाल्य भाव से कृष्ण को अपना लाडले लाल समझकर नंदरानी यशोदा कृष्ण को अपना लाडला लाल समझकर प्यार करती हैं, वो निर्भर प्रेम रागानुगा प्रीति किसी को रोके रुके ही नहीं किसी तरह से, उस प्रीति को थोड़ा संकुचित करने के लिए, अरे कृष्ण का कोई माता नहीं कोई पिता नहीं, कोई आकार नहीं कोई प्रकार नहीं, कोई बंधु नहीं, वो तो उदासीन है अखंड है अनंत है निर्विकार है सर्वदृश्य प्रपंच के अधिष्ठान है साक्षी है, ये कहने से थोड़ी सी वो अवस्था में कुछ थोड़ा शांति हो। इसी तरह से गोपांगना जो कृष्ण को अपना प्राणनाथ प्रीतम पर प्रेमास्पद हृदयेश्वर मानकर उनके चरण अरविंद में अपना सर्वस्व अर्पित किए, प्रतिक्षण उनके दर्शन के लिए लालायित उनके नेत्र हैं, अपने नयन के फूलों का पावड़ा डालती हुई भगवान के आगमन की बाट जो हो रही हैं और वो करती करते निराश हो रही हैं, तो निराश होकर उनके मन में थोड़ा आश्वासन देने के लिए चलो निर्गुण निराकार निर्विकार की बात सुनाओ इनको थोड़ा सा मन कुछ। तो इसीलिए भगवान ने कहा था पहले सूरदास जी के शब्दों में, सूरदास जी ने कहा उद्धव जी से भगवान ने कहा कि भाई हमने इन गोपांगनाओं ने अपना सर्वस्व मुझ में अर्पण कर दिया, तो उसके ब्याज में सूद के रूप में अपना सारा धन दौलत सारा मन अंतःकरण अंतरात्मा प्राण सब कुछ उन्होंने मेरे में अर्पित कर दिया, अब उसके सूद के रूप में ब्याज के रूप में हमने उनको सामित्व मुक्ति देना चाहा नहीं लिया, सारूप्य और सामित्व मुक्ति देना चाहा वो भी नहीं लिया, सारोक्य मुक्ति देना चाहा वो भी नहीं लिया, साजुज्य मुक्ति देने की बात थी वो ज्ञान से होती, तो उद्धव तुम जाओ उनको ज्ञान दो और ज्ञान से अगर वो साजुज्य मुक्ति ले लें तो फिर हम तुम्हारे मथुरा में रहेंगे, अगर कहीं उन्होंने साजुज्य मुक्ति भी न लिया तुम्हारा ज्ञान भी न लिया तो भैया हम उद्धव तुम्हारा मथुरा उथुरा छोड़ करके वहीं जाएंगे गाय चराएंगे और गोपांगनाओं के पास रहेंगे। सूरदास जी ने तो अर्थात ये इस शर्त पर है कि ज्ञान देव अगर ज्ञान से वो कैवल्य ले लें तो फिर ठीक है,
अगर कैवल्य भी नहीं लेती तो सिवा हम अपने आत्मसमर्पण को छोड़ करके दूसरा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, दूसरा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। यही मार्ग है कि हम स्वयं उनके पास जाएं और गाय चराएं और उनके पास रहें और उनकी मनोभावना का पूर्ण रूप से पालन करें, यही एकमात्र लक्ष्य। तो ऐसी परिस्थिति में ये कैवल्य इष्ट कोटि का इनकी इनकी दृष्टि से अति कैवल्य अति दुर्लभ कैवल्य परम पद निगम पुराण वेद आगम बद, वेद पुराण निगम आगम बद, वेद पुराण निगम आगम सब कैवल्य को बड़ा दुर्लभ पद कहते हैं। तत्व ज्ञान से अद्वैत आत्म साक्षात्कार से कैवल्य पद मिलता है तो, लेकिन जो प्रेम का अनुरागी है, प्रेम का जो भिखारी है, उसके सामने एक तरफ अखंड वैभव अनंत साम्राज्य और एक तरफ प्रेम के मार्ग में भिखारी बन करके भटकना, उसको यही पसंद है। तो ये सारी स्थिति और वस्तु दृष्टिया भगवान वही है जो निराकार निर्विकार निर्गुण ब्रह्म, वही सच्चिदानंद घन सगुण साकार कृष्ण चंद्र परमानंद कंद, इसलिए वस्तु स्थिति तो अंत तो गत्वा एक ही। शांति का और कोई मार्ग भी तो नहीं, इसलिए उद्धव जी ने अभी दूसरी बात की प्रेम मार्ग में अशांति ही शांति, अशांति ही शांति। एक है प्रेम पत्तनम, प्रेम पत्तनम नाम का ग्रंथ है ऋषिकोत्तंस का, ऋषिकोत्तंस महात्मा हुए हैं बड़े त्यागी, तो उन्होंने कहा प्रेम पत्तन में, पत्तन माने एक नगर, जैसे पूना को पत्तन कहते पुण्य पत्तनम, पूना को पत्तन कहते पुण्य पत्तनम, ऐसे एक पत्तन होता, ऐसे एक प्रेम का पत्तन है प्रेम पत्तनम। तो प्रेम पत्तनम में कहते इस संसार से सब उल्टी चीज, इस संसार में जो चीजें हैं सब उल्टी उससे, यहां का जो दुख है वही वहां का सुख, जो यहां का सुख है वही वहां का दुख है, जो यहां का धर्म है वही वहां का अधर्म है, जो यहां का अधर्म है वही वहां का धर्म है, सब इस संसार से विलक्षण, इस संसार में जो वस्तुएं हैं वो सब प्रेम पत्तन में उनसे विलक्षण, यहां का अंधकार वहां का प्रकाश, यहां का प्रकाश वहां का अंधकार, यहां का तम त्याज्य है वहां का तम ग्राह्य है। कहते हैं और जगह तो तम ही होता है, पर गोपांगना कहते तम अंधेरा होगा तो प्रीतम सम्मिलन के लिए अभिसारिका को प्रीतम के अभिगमन में तम अनुकूल है, अभिसारिका को प्रीतम के अभिगमन में तम अनुकूल है। कहते हमारे मथुरा के चौबे लोग संकल्प पढ़ने लगे तो भाद्रपद मास है कृष्ण पक्ष है, क्या कह रहे हो चौबे जी, तो क्या नाम शुक्ल पक्ष है, अरे बोला तू क्या जाने हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष रहता है, यहाँ कृष्ण पक्ष रहता है, यहाँ कौन शुक्ल पक्ष होता है। तो भाव ये है कि प्रेम पत्तन की दशा जो यहाँ की अशांति वही वहां की शांति, जो यहाँ का दुख है वही वहां का सुख, इसलिए कहते हैं उनके दुख का एक कण, उनके दुख के एक कण के बराबर अनंत कोट ब्रह्मांड का अनंत अनंत आनंद भी तराजू पर बराबर नहीं ठहरता। तौलने लगे तो तराजू के एक पल्ले पर भगवत विप्रयोग जन तीव्र ताप का एक कण धरे और अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत आनंद को धर दें दूसरे पल्ले पर, तो भगवत विप्रयोग जन तीव्र ताप के एक कण में जो आनंद आता है वो अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत आनंदों में भी वो सुख नहीं। ये बात कोई को
कोई संकीर्ण नहीं है। विचार किया है, अगर रोना अगर दुख है तो हनुमान जी वाल्मीकि रामायण क्यों सुने हर समय? वाल्मीकि रामायण तो सुनने में रोना ही रोना होता है, और क्या होता है? पर उन्होंने वरदान मांगा है राम से वरदान मांगा है। चलते समय जिस समय राम ने कहा, बोलो हनुमान क्या चाहते हो? बोले, हम यही चाहते हैं, अभी आपके मंगलमय नामामृत का पान करते करते मुझे तृप्ति नहीं हुई, और आपका चरित्रामृत श्रवण करते करते तृप्ति नहीं। इसलिए जब तक चांद है, जब तक सूरज है, जब तक भागीरथी गंगा है, जब तक कुछ है, तब तक हम आपका गुणगण निरंतर श्रवण करें। तो भगवान ने वरदान दिया, गंधमादन पर्वत पर तुम रहोगे, अप्सराएं और गंधर्व तुमको वाल्मीकि रामायण गान कर करके सुनाएंगी, और तुम जो है सो आनंद से गुणगण सुनते रहना और नामामृत पान करते रहना। ये वरदान के रूप में पाया। और क्या करते रहते? निरंतर होते रहते हैं। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलिम, बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राघवेंद्र के परम पवित्र यश का कीर्तन होता है, हनुमान जी पहुंचते हैं बिना बुलाए, और सिर झुकाए हुए, अंजलि हाथ जोड़े हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, कंठ को गदगद बनाए हुए, अंग अंग को रोमांच कंटकित बनाए हुए, और इस प्रकार से रामायण सुनते। तो अगर रोना धोना दुख होए, करुण रस अगर दुख होए, तो हनुमान जी उसको वरदान के रूप में क्यों मांगते? इसलिए उस करुण रस में बड़ी शांति हो। राम का चरित्रामृत रसा स्वादन करते करते दो बूंद भी आंखों में आंसू के आ जाएं, तो बड़ी शांति प्राप्त होती है, बड़ा सुख प्राप्त होता है। ये आनंद, ये सुख ऐसा अद्भुत होता है कि दुनिया के किसी सुख में वो आनंद नहीं मिलता। इसलिए उनकी अशांति ही सर्वोत्कृष्ट शांति। तो अस्तु, इसलिए काचित कोई गोपांगना, काचित तो कौन है? यहां राधा तो नाम लिया नहीं, कौन है गोपांगना? तो कहते के प्रेमात्म के सुखे असमंतात चित ज्ञानम जस्या सा काचित। के प्रेमात्म के सुखे, कम का सुखम अर्थ है कौन सुख? तो प्रेमात्म के सुखे, के प्रेमात्म के सुखे असमंता चित ज्ञानम जस्या सा काचित। प्रेमात्मक सुख संबंधी सम्यक ज्ञान है जिसको, जो राधा रानी वृषभानु नंदिनी और कुछ नहीं जानती, केवल निरंतर अखंड अनंत दिव्य प्रेम को ही जानती। प्रेम कोई ध्येय गे परमाराध्य, प्रेम कोई अपना सर्वस्व मानती। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम, एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम, कृष्णेति नामाक्षरम सांद्रोन्माद परंपराम उपजनेत अन्यस्य वंशीरव। सांद्रोन्माद परंपराम उपनयत अन्यस्य वंशीरव। एष स्निग्ध घन दुतुर मनसिनो लग्नश्चिरे लग्न पटे वीक्षणात्। हा धिंग में पुरुषत्रये मतिरभूत मन्ने मृतन श्रेयसी। राधा रानी तो रोने लग गई। सखियां थी ललिता विशाखा प्रभृति, बहुत समझाने लगी, सखी क्यों आप संतप्त हो रही बताओ तो? बोले अब हम अपना प्राण त्याग दें। बोले क्यों? मेरी बुद्धि में तीन पुरुष आ गए, तीन व्यक्ति में मेरा प्रेम हो गया। एक साध्वी सती पतिव्रता का तीन में प्रेम हो जाए
ये तो चारित्र भ्रंश, पातिव्रत भ्रंश, भरोसो कहिए। सो यो हुआ एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षरम। एक एक पुरुष, एक का जो नामाक्षर है, एक का जो नामाक्षर है वो मेरी मति को लुप्त कर दिया। कृष्णेति नामाक्षरम, कृष्ण ये जो नाम का अक्षर है, कृष्ण इस नाम का जो अक्षर है वो मेरे कानों में आया और मेरी मति को लुप्त कर दिया, मति विलोप हो गया, मनोनाश हो गया। मनोनाश इसको वेदांती कहते हैं, मनोनाश, जो परम पुरुषार्थ है मनोनाश, वासना क्षय तत्व ज्ञान, मनोनाश। कृष्ण के नामाक्षर ने मेरे कानों में आकर मेरी मति को बाधित कर दिया, लुप्त कर दिया। है ना दूसरा एक ब्रीडाम विलोड़यति लुंचत धैर्य मार्ज भीतिम भिनत्ति परिलुंपति चित्त वृत्तिम नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे दृष्टस्य किन्न कुरुतात् सखि मद्विधानाम। सखी कृष्ण का ये मंगलमय नाम मेरे श्रवण के उपकंठ में आया, नजदीक, ठीक ठीक श्रवण में आने के पहले ही कानों के नजदीक आया कृष्ण नाम। क्या चमत्कार किया, ब्रीडां विलोड़यति, कुलांगना स्वभाव सुलभ जो लज्जा है उस लज्जा को विलोडन कर डाला, मथ डाला, बिहाल कर दिया। ब्रीडां विलोड़यति लुंचत धैर्यम, धैर्य को नोच डाला, छिन्न भिन्न कर दिया। कृष्ण नाम सुनते ही मेरी लज्जा नष्ट हो गई, कृष्ण नाम सुनते ही मेरा धैर्य भंग हो गया, कृष्ण नाम सुनते ही अर्ध भीतिम भिनत्ति, अर्धजनों का, गुरुजनों का जो डर है, गुरुजनों की जो भीति है, गुरुजनों की भीति को उसने छिन्न भिन्न कर दिया। तो नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे, श्रवण के उपकंठ में जिसके आए हुए नाम ने ये चमत्कार दिखाया, सखी अगर उनका दर्शन हो जाएगा तो क्या होगा। बीड़ाम विलोडे तो लुंचत धैर्य मार्ज भीतिम भिनत्य परिलुंपति। तो यहां ये दूसरा श्लोक है, एकस्य श्रुतमेव लुंपति मतिम कृष्णेति नामाक्षरम। एक का कृष्ण ये नामाक्षर सुनने से ही मेरी मति लुप्त हो गई, मनोनाश हो गया, मति लुप्त हो गई। असांदोन्माद परंपरा उपनय तिन्नस्य वंशीर वह। तो एक दिन एक का वंशी निनाद मेरे कानों में आया, वंशी निनाद, किसी के मंगलमय मुखचंद्र का सुमधुर अधर सुधारस, वेणु छिद्रों में प्रविष्ट होकर वेणु गीत पीयूष रूप में कोई प्रकट होकर मेरे निराभरण करण कुहरों में सन्निविष्ट हो गया। तो मेरे निराभरण करण कुहरों में जो प्रविष्ट बंसी निनाद, वो बंसी निनाद ने मेरे में सांद्रोन्माद परंपरा उपनय की, घनीभूत जो उन्माद है। एक तो उन्माद कभी विच्छिन्न विच्छिन्न होता है, कभी उन्माद हुआ फिर शांत हो गया, कभी उन्माद हुआ फिर शांत हो गया। यहां तो सांद्रोन्माद परंपरा, सांद्र जो उन्माद की परंपरा, सांद्र उन्माद की परंपरा को पैदा कर दिया जिसके वंशी निनाद ने मेरे कानों में आकर। तो नामाक्षर ने मत लुप्त कर दिया और वंशी निनाद की परंपरा ने मेरे स्वरूप में उन्माद की परंपरा, सांद्र उन्माद परंपरा का उपजनन कर दिया। और एसस्निग्ध घन द्युतर मनसनो लग्न पटे वीक्षणाद। ए रंग देवी ने, यही चित्रा, एक सखी थी चित्रा, चित्रा
रंगरेली विशाखा ललिता चित्रा। तो चित्रा ने एक चित्र बनाकर दिखाया कृष्ण का चित्र। तो ऐसा स्निग्ध घन द्युति, ये जो चित्र में स्निग्ध घन द्युति ही सांद्र जो श्यामल घन बादल, सांद्र घन सांद्र बादल के तुल्य स्निग्ध मनोरम जिसके अंग की मंगलमय द्युति है, ये मेरे मन में लगना है, मेरे मन में लग गया है, मेरे मन में ये स्निग्ध, ये जो स्निग्ध घन द्युति, स्निग्ध घन के समान स्निग्ध घन की द्युति के तुल्य जिसकी द्युति है, ये कोई चित्रगत चित्रगत जो परम पुरुष है ये मेरे मन में संलग्न हो गया। अब वो निकालने निकालने से निकलता नहीं, मेरे मन से पृथक होता नहीं, ये दशा बन गई इस चित्र के देखने से। तो एक का नाम सुनने से मत लुप्त हो गई, एक का बंसी निनाद परंपरा के श्रवण से उन्माद सांद्र उन्माद परंपरा उत्पन्न हो गई, और एक का चित्र देखने से मन में वो स्निग्ध घन द्युति मन में संलग्न हो गया। अब तीन है? कहते पुरुष त्रय मत्र भूत, तीन पुरुष में मेरी मति हो गई, इसलिए मेरा पातिव्रत भंग हुआ, इसलिए मन ने मृत्यु श्रेयसीम, अब तो मैं मर जाना ही श्रेष्ठ समझती हूं। तो वो सखियां खिलखिला कर हंस पड़ी, बोले सखी तुम बड़ी भोरी हो, वो असल में एक ही है, उन्हीं का कृष्ण ये नामाक्षर है और उन्हीं के मंगलमय मुख चंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष है, जो तुम्हारे निरावरण कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर तुम्हें सांद्रोन्माद परंपरा उपजनन किया, और उन्हीं का ये मंगलमय परम पवित्र चित्र है। ये तीनों तीन चीज नहीं है, तीनों एक ही चीज है, एक ही परम पुरुष भगवान सर्वेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान में तुम्हारी प्रीति है, वो अन्य किसी में प्रीति नहीं, तुम घबराओ मत। तो इस दृष्टि से प्रेम प्रेमात्मक सुख जो है उसमें असमंता सम्यक ज्ञान है जिसको, राधा रानी और कुछ जाने चाहे न जाने और कुछ जाने चाहे न जाने, वैसे तो सर्वज्ञ हैं, अनंत ब्रह्मांड जननी हैं, भगवान कृष्ण की परमान लादनी शक्ति सार सर्व स्वरूपा है, तो भी व्यवहार दृष्टि से गवारी गोपांगना है, कुछ नहीं जानती, पर इतना तो जानती है प्रेम तत्व तो क्या है, प्रेम रस क्या है, प्रेम की महिमा क्या है, ये इतना राजा रानी जानती हूं उतना कोई जानता नहीं, इसलिए के प्रेमात्म के सुखे आसमंता चित ज्ञानम जस्य आसा काचित, काचित नाम है राधा रानी का, ऐसे किसी का जैसे उनका राधा नाम है, जैसे वृषभानु नंदिनी नाम है, जैसे हरिप्रिया नाम है, ऐसे उनका एक नाम काचित, काचित अथवा काचित का अर्थ है कम प्रेमात्मकम सुखम भक्त जनेशु क्षणे क्षणे आचिनोत अभिवर्धयत इति काचित, जो कि भक्त जनों में क्षण क्षण में प्रेमात्मक सुख को पैदा करती है, असमंता चयन करती है, संचय करती है, भक्तों के हृदय में प्रेमात्मक सुख को क्षण क्षण अभिवर्धमान करती है, उन राधा रानी का नाम काचित। इसलिए अगर प्रेम चाहो तो राधा रानी का भजन करो, बिना राधा रानी का भजन किए प्रेम नहीं मिलता, प्रेम की देवता राधा रानी है, वृषभानु नंदिनी, इसलिए उनके भजन से ही प्रेम मिलता है। जो लिखा है गौर तेज परित्यज्य श्याम तेज समर्चयेत जपेत बाध्यायते बापी सभवेत पातकी शिवे, जो गौर तेज को छोड़ करके केवल श्याम तेज की पूजा करता है वो पातकी होता है, इसलिए गौर तेज सम्मलित श्याम तेज की पूजा करो, गौर तेज से परिवेष्टित, जैसे दामिनी दूत पीतांबर परिवेष्टित कृष्ण हैं, जैसे गौर तेज सम्मलित श्री कृष्ण हैं, गौर तेज जो राधा रानी वृषभानु नंदिनी
उनसे सम्मिलित श्याम सुंदर कृष्णचंद्र हैं, इसलिए राधा रानी की पूजा करने से ही कृष्णचंद्र परमानंद कंद में अनन्य भक्ति प्रीति मिलती है। तो काचित वो अकस्मात वहीं एक मधुकर उड़ता उड़ता आ गया, भंवरा। काचिन मधुकर दृष्टवा, वो काचित जो है राधा रानी ब्रजवानंदिनी, देखा अकस्मात वहां कोई मधुकर है, मानो श्री कृष्णचंद्र परमानंद का नहीं, राधा रानी का जो चित्र जल्प है, चित्र जल्प को प्रत्यक्ष सुनने के लिए वैसे तो हई है सदा राधा रानी के पास में, परंतु राधा रानी का चित्र जल्प श्रवण करने के लिए मधुकर रूप धारण करके आ गए। अथवा अपनी प्रेरणा से एक मधुकर को भेजा है, जिससे कि उस मधुकर के दर्शन से राधा रानी में कोई विचित्र भाव उत्पन्न हो और उस भाव का अनुभव, उस भाव का दर्शन उद्धव को मिल जाए। उद्धव असल में भगवान बड़ी कृपा करके उद्धव को भेजा, उद्धव परम कृपा भगवान की है, परम कृपा पात्र उद्धव है, इसलिए उद्धव को ब्रजांगनाओं के चरणों में भेजा। ब्रजांगनाओं के चरणों में जाकर उनका चरण रज स्पर्श करके उद्धव कृतकृत्य हो जाएंगे, उनका ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से परिनिष्ठित हो जाएगा। भक्तरस परिप्लुत ज्ञान विज्ञान ही वास्तविक ज्ञान विज्ञान है। महाराज सुखदेव जी महान ज्ञान विज्ञान परिनिष्ठित थे, पर महान प्रेमी भी थे। सनकादिक महान ज्ञान विज्ञान परिनिष्ठित थे, पर साथ ही भगवान के अनन्य भक्त भी थे। वशिष्ठ महाराज जो योग वशिष्ठ का उपदेश करने वाले, उनसे अधिक ज्ञान विज्ञान संपन्न कौन होगा? परंतु उन्होंने कहा ये पुरोहिती कर्म बड़ा निंदित था, हम नहीं लेना चाहते थे। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा अरे बेटा तू पुरोहिती कर्म रघुवंश का पुरोहित बनेगा तो रामचंद्र तेरा पांव धोएंगे, परमात्मा रामचंद्र प्रकट होंगे, वो तुझको गुरु मानेंगे, उनको तुझे विद्या पढ़ानी पड़ेगी और सब बड़ा बड़ा भाग्य होगा, लोकोत्तर सौभाग्य मिलेगा, तो ये समझ करके मैंने पुरोहिती कर्म को ले लिया। तो इसलिए वशिष्ठ महाराज यहां ज्ञान विज्ञान के पारंगत पारदर्शवा महामुनिन्द्र महात्मा है, तहां रामचंद्र भगवान के प्रेम में तल्लीन। जनकादि महाज्ञान विज्ञान संपन्न, वो भी भगवत प्रेम में परिप्लुत है। इस तरह से ज्ञान विज्ञान बड़ी ऊंची चीज है, छोटी नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर प्रेम तत्व लग जाए तो फिर प्रेम संपन्न ज्ञान विज्ञान बड़े महत्व की चीज होती है। सो राम प्रेम बिनु सोहन ज्ञाना, करण धार बिनु जिम जल जाना, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम परधानु। ये सब सिद्धांत है। कई सब दृष्टियों से काचित राधा रानी ने वो मधुकर देखा, मधुकर काचिन मधुकर दृष्टवा, कैसा मधुकर है, जैसा कृष्ण का रूप वैसा ही रूप मधुकर का। मधुकर की नीलिमा बड़ी सुंदर होती, नजदीक से देखो नीलिमा, नीला काला नहीं होता, मधुकर काला नहीं होता, नजदीक से देखो, ध्यान देकर देखो, ये ध्यान से देखो कि मधुकर का रूप कैसा, कृष्ण का रूप कैसा रहा होगा और मधुकर का रूप कैसा, इस अभिप्राय से देखो तब पता चलता है। तो श्यामल स्वरूप है मधुकर का और पंख पीला, कई मधुकर का पंख पीला होता है, मानो जैसे कृष्ण का पीतांबर तैसे उनका पीला पीला पंख, कृष्ण का दामिनीदत्त विनिंदक पीतांबर, उस मधुकर का पीला पंख। और कृष्ण का जैसे ओष्ठ अरुण तैसे उसका मुख भी अरुण लाल अरुण, कृष्ण का आधार जैसे अरुण है तैसे उसका भी अरुण,
और कृष्ण के बंशी का निनाद जैसे बड़ा मधुर है, ऐसे उसका गुंजार भी बड़ा मधुर, उसका गुंजार गुंजारव बड़ा मधुर, ऐसा संगीत गाता है तो मन मोहित हो जाता है। भ्रमर तो वो ऐसे मधुकर को देखा, काचिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। वो ध्यान में थी, मानसिक ध्यान में थी, ध्यान में देखती थी भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र उनके साथ राधा रानी वृषभानु नंदिनी। वो तो स्फूर्ति में स्वप्न में, स्फूर्ति में स्वप्न में बार बार कृष्ण का दर्शन होता है, बार बार कृष्ण का अनुभव होता है। तो और लोगों को तो जो विश्रम्भक प्रधान प्रेम वाली, उनको तो मालूम पड़ता है कि सचमुच हम श्री कृष्ण का समागम हमको निरंतर प्राप्त हो रहा है। कृष्ण के बाहर जाने की कथा सब काल्पनिक भ्रांति, लेकिन ये जो उत्कंठा प्रधान प्रेम वाली गोपांगना है, ये तो एक बार कृष्ण को मिलती है तो अभी विश्वास नहीं होता सचमुच हमको कृष्ण मिल रहे हैं क्या, कृष्ण का दर्शन कर रही है, कृष्ण के मुखचंद का दर्शन करती है, कृष्ण के पादारविंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन करती है, कृष्ण का स्पर्श करती है, कृष्ण का आलिंगन करती है, कृष्ण को अपने बाहुपाश में निबद्ध करती है, तो भी विश्वास नहीं होता सचमुच हमको कृष्ण मिल रहे हैं कि स्वप्न है, स्वप्न है। उत्कंठा प्रधान प्रेम की हाल, इसीलिए तो मिले रहते मानो कबहु मिले ना, सदा मिले रहते हैं। राधा रानी को उनके प्राणनाथ प्रियतम पर प्रेमास्पद कृष्ण सदा मिले रहते हैं, पर प्रतीत होता है मानो कबहु मिले ना, मानो कबहु मिले ही नहीं। अर बरात निषिदिन मिलिबे को, मिले रहते मानो कबहु मिले ना। तो उत्कंठा प्रधान प्रेम की एक अवस्था है, एक वैचित्री वैचित्री अवस्था होती है, जिसमें कि भ्रम के तुल्य भ्रमाभा, भ्रमाभा वैचित्री अवस्था होती, भ्रम भ्रम के तुल्य होती है, भ्रम भ्रम जैसा होता है वैसा ही होता है भ्रम के तुल्य। उसी वैचित्री वैचित्री अवस्था का वर्णन है, अंके स्थिते दैते किम प्रलापम हा मोहनेत मधुरम विदधत्य कस्मात प्रीतम प्राणनाथ पर प्रेमास्पद। अंक में ही विराजमान है, सर्वांगीण संश्लेष संपन्न है, अंतरात्मा से अंतरात्मा, अंतकरण से अंतकरण, मन से मन, प्राण से प्राण मिले हुए हैं, एकम एक हैं, तो भी उनको ऐसा विप्रलम्भ प्रतीत होता है मानो मदन मोहन श्याम सुंदर कभी मिले ही नहीं। कोई सुनता है उसके उसकी विरह जन तीव्रता के उद्गारों को तो समझता है इस बिरहिणी को इसके प्राणनाथ प्रियतम जुग जुगांतर में कल्प कल्पांतर में कभी मिले ही नहीं। तो वो ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, कृष्ण के संगम का ध्यान करती हुई, मनसा श्री कृष्ण के संगम का अनुभव करती हुई, और अकस्मात मधुकर को देखती है। मधुकर को देख करके प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदम् अब्रवीत, कल्पना करती है मेरे प्राणनाथ ने, मेरे प्रियतम ने मुझे आश्वासन करने के लिए अपने एक दूत को भेजा। ये भ्रमर नहीं है, ये मधुप नहीं है, मधुकर नहीं है, ये मेरे प्रियतम प्राणनाथ का भेजा हुआ दूत है, ये मुझे आश्वासन करने के लिए आया है, या मुझे मनाने के लिए, मेरा मान निराकरण करने के लिए, मुझ मानने का मान निराकरण करने के लिए प्राणनाथ का भेजा हुआ ये दूत है, इसलिए प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदम् अब्रवीत। प्रिय प्रस्थापितं प्रेषितं, प्रिय प्रस्थापितं, प्रिय से प्रेषित प्रस्थापित दूत समझ कर, दूत की कल्पना करके इदम् अब्रवीत बोली। अब फिर विशेष बात कल होगी। श्री राम, जय जय राम। वो गोपी
विशिष्ट गोपी। यहां गोप्या ऊंचू नहीं है, गोपी उबाज, एक गोपी कोई, वही काचित, जिसका अर्थ काचित का। वही काचित गोपी गोपी का अर्थ है जो अपने भावों को, दो बात है, एक तो गोपी का अर्थ सरल सुगम, नागरिक स्त्रियां जो होती हैं, चाहे नागरिक पुरुष चाहे नागरिक स्त्रियां, वो इतने सरल और स्वच्छ हृदय के नहीं होती, उनमें बहुत जाल पौरे भरा रहता है, नागरिक स्त्रियों में, नागरिक पुरुषों में। लेकिन जो ग्राम में जन है, ग्रामों में रहने वाले, वे अधिक सरल और अधिक स्वच्छ हृदय के होते हैं। अभी गत दिनों तक पहाड़ की यात्रा हम लोग करते थे, वहां वस्तुओं को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी चट्टी पर कोई चीज अगर भूल गई तो दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आओ तो वहीं मिल जाए, कोई उसके लिए खतरा नहीं होता था। और बड़ा से बड़ा माल टाल लेकर के पहाड़ी कुली सामान लेकर चलते थे, उनसे कोई खतरा नहीं होता था। तो माने जहां ये रेल का और मोटरों का प्रपंच नहीं फैला हुआ है, वहां अब भी बहुत कुछ सरलता है, सरलता। और जहां ये सब चीजें पहुंच गई, वहां मालूम होता है रेल के साथ मोटर के साथ कलयुग भी पहुंचता है। तो अस्तु कहने का अभिप्राय कि गांव के रहने वाली, गोष्ठ की रहने वाली गोपी, वो जितना सरल स्वच्छ हृदय से भगवान का चिंतन करती है, भगवान को प्राप्त करती है, इतनी सामर्थ्य अन्य लोगों में नहीं। इसीलिए यदुपति कृष्ण हैं, गोपेंद्र कुमार नहीं रह गए, यदुपति कृष्ण हैं, ये भी एक कृष्ण पर आक्षेप किया, कृष्ण पर ये भी एक आक्षेप है। वो गोपेंद्र कुमार पद से यदुपति हो गए, यादवेंद्र हो गए। अब सरल सुगम स्वच्छ हृदय के जो भक्त हैं, उनका स्थान उनके हृदय में नहीं रहेगा, ये उन पर आक्षेप। दूसरी बात, गोपी माने अपने दुर्लभ प्रेम को छिपाने वाली, छिपाना भी गोपी शब्द का अर्थ है, गोपन, गोपन क्रिया, छिपाने की क्रिया। कोई धन को, साधारण धन को छिपा कर रखता है, साधारण धन को छिपा कर रखता है, सब न जाने। जो परम धन है, निर्जन सर्वस्व है, श्रुतियों का गुप्त वित्त है, तो कहते हैं पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम और एकीभूतम गुप्त वित्त श्रुतिना, श्रुतियों का जो गुप्त वित्त
छिपा हुआ जो धन है श्रुतियों का वेदों का, वही कृष्णचंद्र परमानंद कर्ण मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट हुआ। भगवान जी तो इसलिए उस गुप्त वित्त का परम दुर्लभ धन को छिपा कर रखना ये इनका काम है। वो भी और तद विषयक जो प्रेम है उस प्रेम को भी छिपाती, प्रकट नहीं होने देती, उस प्रेम को छिपा कर रखती। इसलिए गोपी तो विशेष करके काचित गोपी अर्थात जो प्रेमात्मक सुख में जिसका असमंतात ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो गोपी। अथवा प्राणी जो अनुरक्त भक्त हैं, अनुरक्त भक्त में जो प्रेमात्मक सुख को क्षणे क्षणे अभिवर्धमान करती है, आचिनोति प्रेमात्मकम सुखम आचिनोति, कम प्रेमात्मकम सुखम आचिनोति इति काचित। तो इस तरह से प्रेमात्मक सुख को असमंता संचित करती है, अभिवर्धित करती है, बटोरती है, अभिवर्धन करती है, इसलिए काचित। तो वो गोपी और विशिष्ट गोपी, पूर्वोक्त गुण तो सामान्य गोपियों में भी होता है, लेकिन ये विशिष्ट गुण जो है ये साक्षात राधारानी वृषभानुनंदिनी नित्य निकुंजेश्वरी के असाधारण गुण है। तो वो बोलती मधुप के तव बंधो, वो जो मधुप है भ्रमर है, उड़ता हुआ कहीं से आ गया, उसको देख करके और ध्यायंती कृष्ण संगमम, अभी अभी स्फूर्ति में एक भावना में स्फुरण होता है, भावना जनित जो प्रतीति होती है, वेदांति भी कहते अप्यसत प्राप्यते ध्यानात् नित्यात्म ब्रह्म किम पुनः, कहते असत वस्तु भी ध्यान से प्राप्त हो जाती, असत वस्तु जो है नहीं उसी का चिंतन करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ, थोड़े दिन में वही वस्तु प्रकट हो जाएगी। अप्यसत प्राप्यते ध्यानात् बोले फिर नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः, जो ब्रह्म नित्य प्राप्त है वो ध्यान से मिल जाए इसमें क्या संदेह, नित्य सिद्ध वस्तु ब्रह्म वो ध्यान से मिल जाए इसमें संदेह की बात ही नहीं। अप्यसत प्राप्यते ध्यानात् असत वस्तु भी ध्यान से मिल जाती। प्रसिद्ध है कि विदुर परिभावित कामिनी साक्षात्कार, विदुर पुरुष है, पत्नी वत्नी है नहीं समीप में, तो भी चिंतन करता करता मृत पत्नी का चिंतन करता करता उसका साक्षात्कार करने लगता है। विदुर परिभावित कामिनी साक्षात्कार, विचार किया गया है कि ये अप्रमाण होता है, ये साक्षात्कार जो है ये साक्षात्कार स्वयं प्रमाण रूप नहीं है, यथार्थ ज्ञान रूप नहीं, क्योंकि भावना जनित है, प्रमाण जनित नहीं है। जो ज्ञान प्रमाण जनित है वही ज्ञान प्रमा होता है, जो ज्ञान प्रमाण जनित नहीं है, निर्दोष प्रमाण जनित जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान प्रमा नहीं। इसीलिए कहा प्रसंख्यान से, वाचस्पति भामतिकार ने खंडन किया, जो लोग कहते प्रसंख्यान से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वेदांतों का श्रवण करके वेदांत द्वारा निराकार निर्विकार निर्गुण अद्वैत अनंत अखंड ब्रह्म को परोक्ष रूप से जान करके उसी को दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक पुनः 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 चिंतन करते करते उसी को कहते प्रसंख्यान, उसी को प्रसंख्यान कहते। उस प्रसंख्यान से
ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है एक पक्ष ही है प्रसंख्यान से। जैसे गांधर्व शास्त्राभ्यास जन्य संस्कार संस्कृत मन की सहायता से कान शब्दगत खड्गत्वादी धर्मों को साक्षात्कार करने लगता है। केवल श्रोत तो शब्द सामान्य को ग्रहण कर सकता है, लेकिन गांधर्व शास्त्र के अभ्यास से जन्य जो संस्कार, उन संस्कारों का जो प्रचय माने बाहुल्य, अधिकाधिक गांधर्व शास्त्राभ्यास जन्य संस्कारों का जो समुदाय, उस समुदाय से संस्कृत जो अंतःकरण, उस अंतःकरण सभ्यपेक्ष अंतःकरण सहित जो स्रोत्र है, वो स्रोत्र शब्दगत विशेषता जो है सर्गत्वादी, उसको भी साक्षात्कार करने लगता है। ऐसे वो कहते मन जो है वो आत्मा के साक्षात्कार में निश्चित कारण है। नैयायिक आदि मानते हैं मन आत्मा के ग्रहण में कारण है। आत्मा का ज्ञान मन से होता है, मन करण है। जैसे स्रोत रूप के साक्षात्कार का करण है, स्रोत का शब्द के साक्षात्कार का करण है, नेत्र रूप के साक्षात्कार का करण है, ऐसे आत्मा के साक्षात्कार का करण मन है। वो मन आत्म सामान्य का दर्शन कर सकता है, पर आत्मा की ब्रह्मात्मकता, आत्मा की ब्रह्म रूपता का दर्शन करने के लिए वेदांत शास्त्र का अभ्यास चाहिए। वेदांत शास्त्र के अभ्यास से जनित जो संस्कार प्रचय, उस संस्कार प्रचय से युक्त जो मन है, वो मन आत्मा की ब्रह्म रूपता का भी साक्षात्कार करने लगता है। इसे उन्होंने कहा। तो ये सब है प्रसंख्यान का पक्ष, पर उसका भी वाचस्पति में से खंडन करते हैं। प्रसंख्यान एक प्रकार की भावना है, मन तो करण है, बात ठीक है, लेकिन प्रसंख्यान को जो तुम साक्षात्कार में हेतु मानते हो, ये प्रसंख्यान स्वयं प्रमाण नहीं है। प्रमाण न होने के कारण इससे उत्पन्न होने वाला साक्षात्कार भ्रमात्मक होगा, विदुर परिभावित कामिनी साक्षात्कार के तुल्य इत्यादि। तो कहने का मतलब इस सबसे हमारे कहने का इतने मतलब है कि ये वेदांत सम्मत सर्वसम्मत है कि माने अप्यसत प्राप्यते ध्यानात् असद वस्तु भी ध्यान से मिल जाती है, असद वस्तु भी ध्यान से साक्षात्कृत हो जाती है। अब पीछे बाधित होती है या अबाधित होती है, चीज पृथक है, लेकिन उसकी स्फूर्ति प्रतीति अनुभूति और उसके साथ अनेक प्रकार के व्यवहार ये सब होने लगते हैं, ये सब सर्वसम्मत है। इस दृष्टि से यहां तो वस्तुतः राधा रानी बहुभानुनंदिनी और श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद दोनों ही कही कही भेद ही नहीं। जैसे आनंद सिंधु में मिठास है, मधुरिमा, आनंद सिंधु में जो मधुरिमा है मिठास, तो मधुरिमा का और आनंद सिंधु का विभाग कौन कर सकता है? मिठास और आनंद सिंधु का विभाग कौन कर सकता है? तो ऐसे ही गंगा जल और गंगा जल की पवित्रता, गंगा जल की पवित्रता को गंगा जल से अलग कौन करेगा? उसी तरह से आनंद सिंधु सच्चिदानंद घन कृष्ण ने उसके माधुर्य और सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी को उनसे भिन्न किया नहीं जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में राधा रानी को भगवान के द्वारा, भावना के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो, श्री कृष्ण की अनुभूति हो, इसमें कोई संदेह को अवकाश ही नहीं। तो ये ध्यायंती प्रिय संगमम ओ राधा रानी अभिस्फूर्त बसात भावना विशेष बसाओ, श्री कृष्ण का संगम अनुभव कर रही थी, श्री कृष्ण का दर्शन कर रही थी। तो ध्यायंती कृष्ण संगमम, कृष्ण के संगम का अनुभव कर रही थी, ध्यान द्वारा भावना द्वारा स्फूर्ति द्वारा श्री कृष्ण का अनुभव कर रही थी, श्री कृष्ण के अनंत सौंदर्य माधुर्य का रसा स्वादन कर रही थी, मुखचंद के सौंदर्य माधुर्य का प्रसाद स्वादन कर रही थी।
समझ लीजिए भावना मेरी मानो कृष्ण अंतर्हित तो हो गई, कृष्ण दूर चले गए। अब कृष्ण का ध्यान कर रही है कि कब कृष्ण मिलेंगे। मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन वे प्राणनाथ प्रभु कब मिलेंगे, इस प्रकार की उत्कंठा उत्कंठा के साथ उनके सम्मिलन की भावना कर रही है। इतने ही उसको स्फूर्ति होती है कि मानो कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन मथुरा चले गए, मथुरा चले गए और मथुरा में जाकर के उनकी बहुत सी पटरानियां हो गई, कुब्जा एक रानी हो गई कुब्जा, और श्री रुक्मणी और श्री सत्यभामा प्रवृत्ति अनेक उत्तमोत्तम नायिकाएं कृष्णचंद्र पर मोहनंद कंद को प्राप्त हो गई। अब वो ध्यायन्ति कृष्ण संगमम माने अभ्यस्याः अन्यासाम्बा जा कृष्ण संगम तम ध्यायन्ति, अन्य जो नायिकाएं हैं अन्य नायिकाओं का जो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का संगम, उस संगम का ध्यान करने लगी। इतने ही में उसकी बुद्धि में सामने आ गया भ्रमर, भ्रमर आ गया मधु, तो उसको कल्पना होती है कि मानो श्याम मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन उन नागरी नागरी स्त्रीजनों से असंतुष्ट होकर और हमारा ही मान मनाने के लिए, हमको पुनः प्रसन्न करने के लिए एक दूत भेजा। ये दूत है, ये मधुकर नहीं है, भ्रमर नहीं है, मेरे श्याम सुंदर मेरे प्राणनाथ प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र का ये दूत आया मनाने के लिए हमको आया, इसलिए प्रिय प्रस्थापितं दूतम कल्पयित्वेदम् अब्रवीत कव कहा। तो इसी में ये भी बात समझनी चाहिए कि एक ये भी बात है, राधा रानी इतर गोपांगनाओं से इतर गोपांगनाओं से विलक्षण, इसलिए रासक प्रसंग में भी आया। रासक प्रसंग में भगवान संपूर्ण गोपांगनाओं को छोड़कर अंतरहित तो हो गए, छिप गए, लेकिन राधा रानी नंदिनी को नहीं छोड़। राधा रानी वृषभानुनंदिनी का सामान्य गोपिकाओं से उच्च स्थान, इसलिए सकल गोपांगनाओं से अंतर्भूत होने पर भी राधा रानी वृषभानुनंदिनी को लेकर अंतर्धान हो गए। पंचाध्यायी में है राधा रानी नाम, यद्यप वहां भी नहीं है राधा रानी नाम नहीं है वहां, तो एका कोई विलक्षण नाम क्यों नहीं लिया? अब नाम क्यों नहीं लिया ये भी प्रश्न है, उत्तम प्रश्न है, व्यापक प्रश्न है। नाम न लेने का हेतु यही हो सकता है, कुछ लोग कल तो कहते सुखदेव जी का मंत्र था राधा, सुखदेव जी ही मंत्र जपते थे, तो कोई भी अपना मंत्र प्रकट नहीं कहता, रुद्री हम लोग करने लगते हैं अभिषेक तो गायत्री मंत्र आता है तो उसको धीरे से कहते उपांशु,
चुप होकर कहते हैं अंतर्भू, और मंत्रों को बोल रहे हैं, वो भी एक मंत्र ही है, नमस्ते रुद्र मन्य वो तो सब बोल रहे हैं धड़ाधड़, गायत्री मंत्र है चुप धीरे से, क्यों? ये मंत्र है, ब्राह्मणों का मुख्य मंत्र है गायत्री मंत्र। तो मंत्र अपना मंत्र गुप्त भाषण है, मंत्र गुप्त भाषण है, गुप्त भाषण का ही नाम मंत्र होता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने अपना मंत्र समझ करके उसका नाम नहीं लिया, इसलिए पुराणों में नाम है, ब्रह्मवर्त में पद्म पुराण में राधा का खूब नाम है, विस्तृत नाम है। एक समाधान ये है, दूसरी समाधान, दूसरा समाधान ये है कि मुख्य रूप से व्यापक सिद्धांत है परोक्ष प्रिया इव हि देवा, देव परोक्ष प्रिय होते हैं, व्यवहार में भी किसी पुरुष का सीधा नाम ले रहे हो, अमुक अमुक नाम ले लें तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो कहें पंडित जी सामवेदी जी तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो पंडित जी सामवेदी जी कह दें तो प्रसन्न होंगे, और हे अमुक जी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी, किसी महात्मा का भी सीधे नाम ले लो नहीं प्रसन्न होगा, महाराज जी स्वामी जी कहो हाँ बड़े प्रसन्न होंगे, हाँ ठीक बड़ा भक्त है महाराज जी स्वामी जी। इस तरह से जब सामान्य लोग भी अपना नाम नामोच्चारण अपमान समझते हैं, तो फिर जो देवाधिदेव श्री कृष्ण भगवान की भी जो उपास्या है, श्री कृष्ण भी जिसकी उपासना करते हैं आराधना करते हैं, तो वो राधा रानी का नाम ऐसे सीधे कैसे ले लिया जाए, इसलिए उनका परोक्ष रूप से ही नाम लेना चाहिए। परोक्ष रूप से नाम लिया ही है, एक काचित नाम उसी का तो है, एका प्रधान मुख्य, एक शब्द भी एक शब्द ही प्रधान का अर्थ होता है, मुख्य का अर्थ होता है। आनंद वृंदावन चंपा मुख्या मुख्या नाम से निर्देश है, मुख्या नाम से। और राजपंचाध्यायी में राधा राध साध संसिद्ध धातु भी दिया, अनयाराधितो नूनम भगवान हरे ईश्वर, इससे अधिक क्या कहेंगे, राधिता वशीकृता हरि ही अनया इत राधा, हरि को वशीकृत कर लिया है जिसने, अपने बस में हरि को जिसने कर लिया है उसका नाम राधा। तो राध साध संसिद्ध धातु का ही राधा बनता है, उसी का ये प्रयोग है, राधिता अनया हरि ही, हरि ने इसने हरि को राधित की जोड़ है, स्वशीकृत किया है, इसे अधिक राधा का नाम निर्देश की अपेक्षा और क्या। ऐसा उपदेश वेदों में मिलता है, इंद्र कहना है, इंद्र इंद्र को कहते हैं इदंद्रम संतम एनम इंद्रम इत्याचक्षते, उसका नाम तो इदंद्र है, इदंद्र इदंद्र माने इदम सर्वम नाम रूप क्रियात्मक जगत आत्मत्वेन दृष्टवान इति इदंद्र, जिसे सारे इदम पदवाच्य विश्व को आत्मा के रूप में देखा उसका नाम इदंद्र है। पर इदंद्र नहीं कहते, इदं इंद्र कहते हैं, हैं? छिपाकर सीधे इदंद्र न कह करके इंद्र कहते। ऐसे चतुर्होत संतम एनम चातुर्होत्र चक्षते है, चतुर्होत चतुर्भुर होते चतुर्होतम, पर चातुर्होत्र कहते हैं, चतुर्होत नहीं कहते, कुछ उसमें जोड़ करके या तो बढ़ा करके किसी का नाम नाम मिले तो श्री 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 जी महाराज अष्टोत्तर शत श्री समन्वित महाराज जी, लो नाम लो तो कुछ दुआ जोड़ो और विशेषण विशेषण लगाओ, विशेषण लगा के जोड़ो। तो इसलिए इदंद्रम को इंद्र कहा, चतुर्होतम को चातुर्होत्रम कहा। ऐसे ही वेदों में अनेक उदाहरण हैं जहां पर किसी उच्च देवता का नाम निर्देश तो करते हैं, लेकिन उसको परोक्ष रूप से करते हैं, प्रत्यक्ष
स्वरूप से नहीं करते, क्योंकि कहते प्रत्यक्ष द्वेषः, प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं देवता, प्रत्यक्ष नामोच्चारण से द्वेष करते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष नाम नहीं लेते। इसीलिए राधा रानी का नाम सीधा न लेकर के राधिता वशीकृत हरि अनयायित राधा। कुछ लोग कहते सकंदवादित्वात् पर रूप मान करके सकंदु सकंदु, उसी तरह से राधाम इतः राधिता, राधाम बीच में है सुस्पष्ट ही राधा है, राधाम इतः गता हरि च राधिता, इस तरह से राधा नाम सुस्पष्ट ही आ जाता है। और एक जगह एक भक्त ने और कहा राधावंतो महाभटा, तो है वहां पर आधावंता है, लेकिन बीच 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 में बीच में रहा विसर्ग, और विसर्ग से संधि हुए रा बन गया, तो बोले राधावंता, बोले राधा उपास्यत्वेन अस्ति एषां इति राधावंता, राधा है उपास रूप में जिसका, वो राधावान, वो राधावान जो लोग जो महाभक्त हैं वो बड़े वीरता के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि राधा उनके हृदय में थी। इस तरह से भागवत के भी अनेक शब्दों से राधा शब्द की उत्पत्ति का, राधा शब्द के वर्णन की बात आती है। तो वास्तु कहने का अभिप्राय यहां तो प्रसंग अनुसार यही है कि वो राधा रानी रास पंचाध्यायी में भी उनका एक विशिष्ट अस्तित्व है, एक पृथक अस्तित्व है, सामान्य गोपांगना जनों से पृथक अस्तित्व है। इसलिए सामान्य गोपांगनाओं को छोड़ करके और राधा रानी को लेकर भगवान कृष्ण अंतर्धान हुए, पर आगे चल करके उसको भी छोड़ा, ये चीज पृथक है। वो माननी हो गई राधा और कहने लगी नय माम जत्रते मनः, अब हमसे चला नहीं जाता, अब आप कहीं चलना चाहते हो तो मुझको लेकर चलो, अंक में लेकर चलो, गोद में लेकर चलो। तो भगवान ने कहा जब गोद में लेकर क्या चले, कंधे पर बैठ जाओ। बोले हाँ ठीक है, बैठे बैठे कृष्ण जी। तो उसने कंधे पर बैठने के लिए जैसे उठाया पांव, देखा तो कृष्ण ही नहीं, अंतर्धान कृष्ण। अब रोने लग गई, अब रोने लग गई, विलाप करने लग गई। इतने गुरु गोपांगनाएं आती है, गोपांगना आती है, देख देखती अरे अरे ये तो पहले तो बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रही है, धन्य है कोई, धन्य हो अमी आल्या, ये रूपांगना देहे आलियो, धन्य है कि जो देखा परत, जो कि अकेली कृष्ण को लेकर के और कृष्ण भगवान की सेवा कर रही है और उनके अनंत सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन कर रही है। और वो देखती हैं रूपांगना कि कृष्ण भी चल रहे हैं और उनके साथ साथ राधा रानी का चरण चिन्ह है, कृष्ण का चरण चिन्ह है, कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ साथ राधा रानी का चिन्ह है, चरण चिन्ह है। उस चरण चिन्ह को देख करके कल्पना करती है ये कोई दूसरी गोपांगना है। तो जब यहां देखा वो विलाप कर रही कृष्ण के विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त हो करके, तब सब उसको मिल गई और मिल करके समान सुख दुख वाली हो करके सबने मिल करके गोपी गीत के द्वारा भगवान की प्रार्थना किया, भगवान की स्तुति किया, तो भगवान प्रकट हुए। तो अर्थात सामान्य गोपांगना जनों से राधा रानी की एक विशिष्ट स्थिति है, यहां भी राधा रानी समझती है और गोपांगनाओं के लिए तो भगवान ने उद्भव दूत भेजा है, हमारे लिए इस मधुकर को असाधारण दूत भेजा है, हमारे लिए जो जो सर्वसाधारण गोपांगनाओं के लिए दूत है वही हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एक विशिष्ट दूत है, इसलिए मधुकर जो है, ये मधुप जो है वही हमारे लिए दूत बन करके आया है, कृष्ण ने इसको विशेष करके मेरे लिए भेजा। इस तरह से उस दूत उसमें दूतत्व की कल्पना करके मधुकर को दूत समझ करके और बोलती है मधुकर की तव बंधो मास प्रशांघ्रिम, कहे मधुप मानो वो मधुप मड़राता हुआ गुंजार करता हुआ राधा रानी के चरणों पर चरणों को छूने का यत्न करता, राधा रानी के चरण स्पर्श का यत्न करता। तो उस पर कह
कहती हैं, हे मधुप, हे मधुप अंग्रिम मास प्रश, हे मधुप तू हमारा चरण स्पर्श मत कर, चरण स्पर्श मत करे। क्यों? तो तू मधुप है, मधु मध्यम पातीत मधुपहा, मधु माने मध्य के हैं, शराब सुरा मध्य, तो मधु पिबतीत मधुपहा तत् समुद्धो हे मधुपो, तू मधुपान करता हो, वैसे पंकज, पंकज जो कमल है, पंकज में जो मकरंद है वो भी आसव समझा जाता है, आसव, आसव, आसव माने मादक, तो भ्रमर, भ्रमर उससे भी मत हो जाता, अरविंद मकरंद पान करके भ्रमर मत हो जाता। इसीलिए श्रीधर स्वामी जी ने वर्णन किया, भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मुखार बिंद पर, मुख कमल पर श्यामल सचिकण कुंचित अलकावली विराजमान है, मुख कमल पर अलकावली, अलक माने बाल जो है, ये बाल, बाल कृष्णचंद्र के मुख कमल पर विराजमान है। तो कहती है क्या है? कहते हैं ये बाल नहीं है, अलक नहीं है, किंतु अलकुल माला, अलकुल माला माने, माने भ्रमर बृंद, भौरों का समुदाय है।